मिलने नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे और जितेंद्र शर्मा लगातार बने हुए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है विपिन की कुछ देर में आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, यानी आम आदमी पार्टी अपनी आगे की रणनीति को लेकर और क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनका विचार है, क्या वो करेंगे आगे, इसके बारे में जानकारी दे सकती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल सुमेरा, जिस बात को लेकर आप सवाल पूछ रहे थे कि आपके आगे क्या होना है, बहुत सारी चीजें हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, कोर्ट में कैसे चैलेंज किया जाएगा, कैसे फाइट किया जाएगा, इलेक्शन कैसे फाइट किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को संदेश क्या दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं को कैसे बूस्टअप किया जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा चेहरा आज की तारीख में अब सलाखों के पीछे चला गया है। ऐसे में वो कब तक रहेंगे, इसको लेकर आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच चुनाव है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, आप देश के तमाम राज्यों में चुनाव है और लगभग आधा दर्जन राज्यों में आम आदमी पार्टी इस चुनाव को लड़ रही है, जिसमें दो राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, पंजाब और दिल्ली। ऐसे में बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, बहुत सारी कंफ्यूजन है, जिससे पर्दा उठाना जरूरी है, इसीलिए आम आदमी पार्टी को रणनीति बनाने के। बिल्कुल, मैं वापस फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच ईडी दफ्तर के भीतर क्या कुछ चल रहा है ये वो जान लेते हैं। सीधे जितेंद्र शर्मा का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है टीम, क्योंकि डॉक्टरों की वहां पर मौजूद थी, तो क्या मेडिकल हो चुका है, क्या हो रहा है फिलहाल ईडी दफ्तर के भीतर, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 11:15 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर के अंदर लाया गया, जहां उनसे कुछ देर की पूछताछ हुई और उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट आरएमएल के डॉक्टर्स के द्वारा किया गया और अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल को लॉकअप में शिफ्ट कर दिया जाएगा ईडी हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर। तो ऐसी जानकारी अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से आ रही है और सुबह तकरीबन 8 बजे अरविंद केजरीवाल से फिर से क्वेश्चनिंग शुरू की जाएगी और सुबह 11 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ से ईडी की कोशिश होगी कि उनकी कम से कम 7 दिन की रिमांड ली जा सके। हालांकि ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि ईडी कितने दिन की रिमांड देती है, लेकिन तकरीबन 7 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी जाएगी, ऐसा हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं। और थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल को लॉकअप के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बस कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को लॉकअप पे शिफ्ट किया जाएगा। सुबह 8 बजे से एक बार फिर पूछताछ शुरू होगी और 11 बजे या उसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आतिशी का क्या कहना था, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। हम इस देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले, चुनाव की घोषणा होने के बाद इस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना सिर्फ एक चीज दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं, वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वो एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। ये क्या तरीका है, ये चुनाव जीतने का, लड़ने का, जीतने का क्या तरीका है? इस देश में क्या लोकतंत्र बचेगा अगर चुनाव से पहले आप विपक्ष के हर नेता को जेल में डाल दोगे, आप विपक्ष की हर पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है।